वन सीएसएस स्पेशल 2023 प्रपोजिशन हम करने वाले हैं और क्वेश्चन वन है व्हाट कैन बी द रीजन डेज हिज एब्सेंस। ठीक है, तो डेफिनेटली रीजन टू भी हो सकता है, रीजन फॉर भी हो सकता है, लेकिन याद रख लीजिए रीजन टू हम वर्ब फ्रेज के साथ यूज करेंगे, रीजन फॉर हम नॉन फ्रेज आएगा उसके बाद। देख लीजिए हिज एब्सेंस क्या है यहाँ पे, हिज एब्सेंस है यहाँ पे नॉन फ्रेज, तो यहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, फॉर है। और इसी तरह नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर टू है यू वॉन्ट बी एबल टू ब्रिंग हिम डेज हिज नीज। इसमें देख लीजिए ये क्या है, बेसिकली ये एक idiom है bring someone to his knees। ठीक है, इसका मतलब है इस idiom का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती अपनी इजाद करवाना, ठीक है, बाई फोर्स किसी को सबमिट करना या सबमिशन करना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू ब्रिंग हिम टू हिज नीज आएगा। और इस तरह नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर एट है ये आई एग्री डेज हिज रिवाइज प्लान। इसमें दो बातें, तीन बातें याद रख लीजिए, एग्री टू भी पॉसिबल है, एग्री विद भी पॉसिबल है, एग्री ऑन भी पॉसिबल है। देख लीजिए एग्री टू तब यूज करेंगे जब आप किसी तजवीज पर आप एग्री कर रहे हैं या मुतफिक हो रहे हैं, और एग्री विद का मतलब होता है किसी शर्त से मुतफिक होना, और एग्री ऑन उसे कहता है किसी शर्त पर मुतफिक होना। तो देख लीजिए ये सेंटेंस क्या है, आई एग्री डेज हिज रिवाइज प्लान, तो क्या किस चीज से एग्री कर रहे हैं आप, किसी के तजवीज या सजेशन से आप एग्री कर रहे हैं, मुतफिक हो रहे हैं, तो एग्री टू आएगा। और इसी तरह किसी बंदे से एग्री करें तो एग्री विद आएगा, और किसी शर्त पर आप मुतफिक हो रहे हैं या मुतफिक हो रहे हैं तो एग्री आन के इस्तेमाल करेंगे। ये थे क्वेश्चन, और नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर थ्री है प्रपोजिशन के अगेन आई वॉज अटरली अनअवेयर डेज द लूमिंग थ्रेट। तो इसमें सिंपली क्या आएगा, अनअवेयर ऑफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, प्लीज रिमाइंड मी डेज द मीटिंग नेक्स्ट वीक। तो देख लीजिए इसमें रिमाइंड मी ऑफ आएगा, ऑफ द मीटिंग नेक्स्ट वीक होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, We shouldn't give days to such pressure tactics. Okay, ये भी अगेन idiom है, ठीक है। Give in to someone का मतलब होता है ये शिकस्त को तस्लीम करना, ठीक है, acknowledge defeat। तो क्या आएगा, we shouldn't give to such pressure tactics. Okay, give in to someone आएगा, तो टू का इस्तेमाल करेंगे और ये बेसिकली एक idiom है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, heavy rains are generally preceded, यहाँ से डी मिल गया, प्रीसीडेड डेज वायलेंट वेंट्स। तो क्या आएगा, प्रीसीडेड बाय आएगा, यानी वाक्य होना, प्रीसीडेड का मतलब होता है कि भाई कोई चीज वाक्य होना, कोई चीज होने से पहले कोई चीज वाक्य हो जाए उसे हम प्रीसीडेड कहते हैं, और प्रीसीडेड बाय होगा। और द लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेवन है, डिड यू पे द बिल डेज कैश, तो बाय नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इन कैश होगा। ये थे हमारे